सो जो आपकी सिस्टम बस है, सो दिस सिस्टम बस इज़ क्रिएटेड यूजिंग मल्टीप्लेक्सर्स। ये आपकी सिस्टम बस जो है वो मल्टीप्लेक्सर से हम लोग इसको बना सकते हैं। ओके तो ये जो सिस्टम बस है, इन दिस सिस्टम बस वी हैव थ्री सेलेक्ट लाइन्स, तीन सेलेक्ट लाइन्स है आपके पास सिस्टम बस के अंदर, ठीक है। अब तीन सेलेक्ट लाइन है बिकॉज वी हैव अ थ्री सेलेक्ट लाइन इन अ मल्टीप्लेक्सर, दैट मीन्स मल्टीप्लेक्सर शुड बी अ 7x1 मल्टीप्लेक्सर, राइट। सो इफ यू रिमेंबर इट, तो मल्टीप्लेक्सर क्या है आपके पास, इफ यू हैव थ्री सेलेक्ट लाइन्स देन वी विल बी हैविंग टोटल 8 इनपुट लाइन्स, राइट। सो दीज आर 8 लाइन्स एंड वी आर गोइंग टू हैव 1 आउटपुट लाइन, सो इट इज 8x1 मल्टीप्लेक्सर एंड दीज आर द सेलेक्ट लाइन्स। सो हियर द सेलेक्ट लाइन्स आर S0, S1 एंड S2। तो अगर हम तीनों में 0 0 0 पास करेंगे, दैट मीन्स दिस इनपुट विल बी सेलेक्टेड एज एन आउटपुट। अगर यहाँ पर 0 0 1 पास करेंगे, दैट मीन्स दिस इनपुट विल बी सेलेक्टेड एज एन आउटपुट हियर। अब हमने क्या किया कि लेट अस अज्यूम कि हमें कुछ डेटा को ट्रांसफ़र करना है इस पूरे सर्किट के अंदर। सो लेट अस अज्यूम कि हमारे पास मेमोरी के अंदर कुछ डेटा प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे जैसे मैंने आपको, देखो आई टोल्ड यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रीवियस क्लास। जब भी आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, देन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन यू हैव थ्री स्टेजेस, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल। सो इंस्ट्रक्शन साइकिल में यू हैव थ्री फेजेस। द फर्स्ट फेज इज रिप्रेजेंटिंग योर फेच स्टेज, जहाँ पर हम फेच करते हैं, ओके। सेकेंड स्टेज विल बी योर डिकोड स्टेज, जहाँ हम इंस्ट्रक्शन को डिकोड करते हैं। एंड द थर्ड स्टेज विल बी योर एग्जीक्यूट स्टेज, जहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। सो यू हैव फेच साइकिल, यू हैव डिकोड साइकिल एंड यू हैव एग्जीक्यूशन साइकिल, करेक्ट। अब ये सभी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, सो दैट इज़ व्हाई आई फील लाइक कि हमें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगेन लेट मी एक्सप्लेन यू कि हम फेच साइकिल में क्या क्या करते हैं, ओके। सो वी हैव फेच साइकिल, सो व्हाट आर द स्टेप्स वी टेक इन फेच साइकिल। तो फेच साइकिल पे हम जब हम इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं, तो हमारे स्टेप्स क्या क्या होते हैं, लेट मी राइट द स्टेप्स। सो स्टेप नंबर 1 इज एड्रेस इन प्रोग्राम काउंटर, एड्रेस इन प्रोग्राम काउंटर इज कॉपीड टू एड्रेस रजिस्टर। सबसे पहला स्टेप था हमारे पास कि जो प्रोग्राम काउंटर में जो भी एड्रेस है उसको हम एड्रेस रजिस्टर के अंदर कॉपी करेंगे। सेकंड स्टेप था कि जो आपका प्रोग्राम काउंटर है इट इज़ इंक्रीमेंटेड टू पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, टू पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। देन योर थर्ड स्टेप इज जो आपकी इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द इंस्ट्रक्शन इन द मेमोरी यूनिट, राइट। सो दैट इज इंस्ट्रक्शन फाउंड एट एड्रेस डिस्क्राइब्ड बाय द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इज कॉपीड टू मेमोरी डेटा रजिस्टर, ओके। एंड द फोर्थ स्टेप इज इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी डेटा रजिस्टर इज कॉपीड टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, राइट। सो ये आपके स्टेप्स हैं। क्या क्या स्टेप था, सबसे पहला स्टेप क्या आपके पास, एड्रेस इन प्रोग्राम काउंटर इज कॉपीड टू द एड्रेस रजिस्टर। अब देखो यहाँ पर पूरे डायग्राम में प्रोग्राम काउंटर कहाँ पर प्रेजेंट है। सो दिस इज योर प्रोग्राम काउंटर, करेक्ट, एंड दिस इज योर एड्रेस रजिस्टर। एक प्रोग्राम काउंटर है, एक एड्रेस रजिस्टर है। अब प्रोग्राम काउंटर के अगेंस्ट यहाँ पर क्या वैल्यू लिखी है, द वैल्यू रिटर्न इज 2। इसका मतलब है कि ये जो आपकी सेलेक्ट लाइन है बस के अंदर, इन दिस सेलेक्ट लाइन वी हैव टू पास अ वैल्यू 2, और हमें इस एड्रेस रजिस्टर की ये जो लोड वैल्यू है, वी हैव टू सेट द लोड वैल्यू एज 1। देखो हर एक रजिस्टर के अंदर, यू कैन सी इन एवरी रजिस्टर यू हैव 3 कंट्रोल सिग्नल्स। हर एक रजिस्टर के अंदर 3 कंट्रोल सिग्नल है। सबसे पहला कंट्रोल सिग्नल है लोड, सेकंड कंट्रोल सिग्नल इज इंक्रीमेंट, एंड द थर्ड कंट्रोल सिग्नल इज क्लियर। लोड, इंक्रीमेंट एंड क्लियर। अब लोड का काम यह है कि
यहाँ पर देखो हर एक रजिस्टर के अंदर वी कैन कॉपी द डेटा, करेक्ट। अब अगर मैं लोड के अंदर सेट करूँगा वन, सो वेन एवर द वैल्यू ऑफ लोड इज़ वन, देन ओनली अ न्यू डेटा कैन बी कॉपीड इन द रजिस्टर, अदरवाइज द न्यू डेटा कैन नॉट बी कॉपीड, ठीक है। सेकेंड इज़ योर क्लियर, अगर मैं क्लियर को सेट करूँगा वन, यानी कि जो भी कॉन्टेंट इस रजिस्टर के अंदर है, ऑल ऑफ दिस कॉन्टेंट विल बी क्लियर्ड, और यू कैन से ऑल ऑफ दिस कॉन्टेंट विल बी वाइप्ड आउट, सभी कॉन्टेंट की वैल्यू हम जीरो सेट कर देंगे। एंड देन वेन कैन यू से, वेन आई कैन से इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का मतलब है जो भी इसके अंदर कॉन्टेंट है उसको आप एक वैल्यू के साथ इंक्रीमेंट कर दीजिए। दिस इज़ हाउ यू कैन सी इन एवरी रजिस्टर, दीज आर द स्टेप्स दैट वी कैन परफॉर्म। अब यहाँ पर अगर आप इस ध्यान देखेंगे, जो आपका फर्स्ट स्टेप इज एड्रेस इन द प्रोग्राम काउंटर इज कॉपीड टू द एड्रेस रजिस्टर, यानी कि जो आपकी सेलेक्ट लाइन्स है, इन दीज सेलेक्ट लाइन्स वी हैव टू पास अ वैल्यू विच इज़ 010। अगर आप यहाँ पर 010 को पास करेंगे, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ वैल्यू 2, तो यानी कि जो प्रोग्राम काउंटर में जो भी वैल्यू है, दिस वैल्यू विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस एंटायर, यू नो, इन दिस एंटायर बस। जो प्रोग्राम काउंटर में जो भी वैल्यू है वो बस के अंदर फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू गिव द वैल्यू 2 इन द सेलेक्ट लाइन्स ऑफ द बस। एंड देन आई हैव टू मेक दिस लोड सिग्नल इन द एड्रेस रजिस्टर एज 1। अगर एड्रेस रजिस्टर की वैल्यू, लोड सिग्नल को मैं यहाँ पर 1 सेट करूँगा, तो क्या होगा कि जो भी डेटा इस लाइन के अंदर फ्लो कर रहा है, दैट डेटा कैन बी कॉपीड टू दिस एड्रेस रजिस्टर, और वो जो वैल्यू है वो प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस रजिस्टर के पास पास हो जाएगी, दैट कैन बी पास टू द एड्रेस रजिस्टर फ्रॉम द प्रोग्राम काउंटर। ओके, अंडरस्टूड। सो फर्स्ट स्टेप इज डन। सेकेंड स्टेप इज प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड टू पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। हमें प्रोग्राम काउंटर को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए पॉइंट करना है, बट एक्चुअली ये जो इंक्रीमेंट सिग्नल है दैट इज गिवन इन दिस डायग्राम, इट शुड नॉट बी अ करेक्ट वन, ये ठीक नहीं होना चाहिए। लेट मी ऑल्सो चेक इन द बुक, मैं इसको बुक में भी चेकआउट कर देता हूँ, बिकॉज दिस शुड नॉट बी द करेक्ट वन, बिकॉज जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होती है, समटाइम्स जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं दे आर नॉट इंक्रीमेंटेड नॉर्मली। इंस्ट्रक्शंस का जो नेक्स्ट एड्रेस है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन, यू नो, किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, द साइज ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है, यहाँ पर भी है, सो आई थिंक इट इज़ देयर, बट एनी वेज लीव इट। तो यहाँ पर जो ये इंक्रीमेंट वैल्यू है, दिस इंक्रीमेंट वैल्यू इज़ नॉट अ करेक्ट वन, यहाँ पर ये इंक्रीमेंट का इसका कोई लॉजिक बनता नहीं है। बाय द वे ऐसा क्यों है, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर का काम क्या है कि अगर आप CPU में इस समय पर इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यू हैव टू एग्जीक्यूट दैट शुड बी स्टोर्ड बाय द प्रोग्राम काउंटर। अब काफ़ी बार ऐसी इंस्ट्रक्शंस हो सकती है विच कैन बी ब्रांच इंस्ट्रक्शन, जो कि आपको किसी और लोकेशन पर जंप कर रही है, राइट। तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर, सो अगेन दैट कैन ओनली बी डन आफ्टर यू डिकोड द इंस्ट्रक्शन। कई बार क्या होता है, किसी इंस्ट्रक्शन के अंदर यू हैव लाइक, इफ़ यू हैव अ इंस्ट्रक्शन विच इज़ जंप इफ नॉट जीरो, राइट, JNZ इंस्ट्रक्शन इज देयर, तो JNZ का मतलब है कि जो आपकी इवेल्यूएशन का रिजल्ट अगर जीरो नहीं है तब आप जंप करो, राइट। तो यहाँ पर जब तक आप इंस्ट्रक्शन को डिकोड नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पर आपको जंप करना है, अदरवाइज आप प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को नॉर्मली यहाँ पर इंक्रीमेंट कर सकते हो। सो कुछ टाइम पर कई बार ऐसा हो सकता है कि द वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम काउंटर इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द इंस्ट्रक्शन, कि किस तरह की इंस्ट्रक्शन है, तो उसके ऊपर भी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू डिपेंडेंट हो सकती है। ओके, अब यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहले एड्रेस को हमने, प्रोग्राम काउंटर के एड्रेस को हमने एड्रेस रजिस्टर के अंदर कॉपी कर लिया, और उसके बाद हमने प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। दीज आर द 2 स्टेप्स। थर्ड स्टेप इज द इंस्ट्रक्शन फाउंड एट द एड्रेस डिस्क्राइब्ड बाय द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इज कॉपीड टू द मेमोरी डेटा रजिस्टर। अब देखो ये जो AR लिखा हुआ है, दिस इज एड्रेस रजिस्टर, और ये एड्रेस किसका होगा, दिस इज़ अ मेमोरी एड्रेस, सो दैट इज़ वाई वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज ए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और MAR। तो इन मैनी बुक्स दे कैन यूज़ द वर्ड MAR, और काफ़ी बुक्स में यहाँ पर सिर्फ AR ही लिखा हो सकता है। AR मीन्स एड्रेस रजिस्टर, MAR मीन्स मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर सेम। उसी तरीके से आपके पास DR मीन्स डेटा रजिस्टर, MDR मीन्स मेमोरी डेटा रजिस्टर, ये दोनों चीज़ें सेम है। अब हमने क्या किया कि हमारे पास एड्रेस रजिस्टर में जो भी इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है, आई मीन जो भी एड्रेस अवेलेबल है, हमें उस एड्रेस से डेटा को निकालना है। तो ये जो एड्रेस है आप देख सकते हो यहाँ से मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से, ये जो एड्रेस है हम इस एड्रेस से जो मेमोरी यूनिट है वहाँ पर कुछ
लाइंस को, यानी कि कहो कि कुछ मेमोरी लोकेशंस को हम इस एक्ट्रेस रजिस्टर की हेल्प से एक्टिवेट कर रहे हैं. सो आफ्टर एक्टिवेटिंग दोज लोकेशंस, अब वो जो लोकेशन का जो डेटा है वो यहाँ पर बस पे ट्रैवल किया जा सकता है. और बस में वैल्यू क्या लिखी है, 7. 7 मीन्स हम यहाँ पर जो सेलेक्ट लाइंस है, इन दी सेलेक्ट लाइंस वी आर गोइंग टू पास अ वैल्यू 111. 111 का मतलब है कि जो भी डेटा अब यहाँ पर था वो सारा डेटा इस पूरी लाइन के अंदर ऐसे फ्लो करेगा, इस पूरी बस के अंदर, दैट विल बी फ्लोइंग लाइक दिस, राइट. अब देखो डिफरेंस क्या हुआ, व्हाट वाज द डिफरेंस. डिफरेंस वाज कि पहले हमने सेम बस में से हमने क्या पास किया था, एड्रेस. अब हम सेम बस में से डेटा को भी पास कर रहे हैं, ठीक है. क्लियर हुआ इतना, लिटिल कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको थोड़ा फोकस करके समझना पड़ेगा. जो स्टूडेंट्स नए हैं, जो अभी बीटेक में कर रहे हैं, जो कर चुके हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली उनको इजी समझ में आएगा, बट जो इस समय पर आपकी बीटेक में है, जिनके पास नहीं है, उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी समझने में. तो थोड़ा फोकस ज़रूर कीजिएगा, फोकस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस. एक लाइन मिस करोगे सब कुछ मिस हो जाएगा. अब देखो यहाँ पर जो आपके पास एड्रेस रजिस्टर में जो एड्रेस था, दैट एड्रेस वॉज ऑफ 12 बिट्स, ठीक है. आपके पास टोटल ये लाइन कितने बिट्स की है, ये कॉमन बस कितने बिट्स की, आपके पास 16 बिट की कॉमन बस है. तो 16 बिट की कॉमन बस का मतलब है कुछ ऐसा, आप 16 बिट ऐसा पास कर सकते हैं, 0011001101001000, राइट. तो ये आपके पास कितनी बिट होगी, टोटल 16 बिट्स. दीज आर टोटल ऑफ 16 बिट्स, ठीक है. अब ये लाइन कितना डेटा कैरी कर सकती है, 16 बिट्स, राइट. बट जो एड्रेस रजिस्टर है, एड्रेस कैन ओनली बी ऑफ 12 बिट्स. एड्रेस सिर्फ 12 बिट का ही हो सकता है, बिकॉज योर मेमोरी विल बी हैविंग 4096 सेल. तो अगर आपका एड्रेस 12 बिट का है, यानी कि जो लास्ट ऑक्टेट है यहाँ पर, लास्ट जो आपकी 4 निबल है, इन दीज 4 निबल्स वी आर गोइंग टू पास अ वैल्यू 0. लास्ट की 4 निबल्स में हम वैल्यू 0 को पास करेंगे, ओके. एंड दिस एंटायर इज रिप्रेजेंटिंग एड्रेस, करेक्ट. तो जब भी हम एड्रेस प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस को ट्रांसफर कर रहे हैं एड्रेस रजिस्टर के अंदर, जब हमने प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस रजिस्टर के अंदर एड्रेस को ट्रांसफर किया, इन दैट केस दीज फर्स्ट 4 बिट्स आर गोइंग टू बी 0, एंड देन लास्ट 12 बिट्स, ये जितने भी आपकी 12 बिट्स हैं, दीज 12 बिट्स आर गोइंग टू कैरी द एड्रेस. ये 12 बिट्स जो हैं ये एड्रेस को कैरी करेंगी, ओके. आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है. यानी कि जब ये आपके पास ये जो आपकी सिस्टम बस है, जिस समय पर सिस्टम बस एड्रेस को कैरी कर रही है, तो उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स आपकी होंगी 0, और द लीस्ट सिग्निफिकेंट 12 बिट्स होंगी जो एड्रेस कैरी करेगी. एंड व्हेन द सेम बस इज़ गोइंग टू कैरी द डेटा, जिस समय पर सेम बस डेटा को कैरी करेगी, उस समय पर इन दैट केस ऑल द 16 बिट्स आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द डेटा, ठीक है. अब हमने क्या किया, बिकॉज ऑफ दिस एड्रेस रजिस्टर वी हैव एक्टिवेटेड अ फ्यू एड्रेस, फ्यू सेल्स इन द मेमोरी, और उस सेल से हमने जो डेटा को बस के अंदर ट्रांसफ़र किया, तो बस जो है वो डेटा को यहाँ पर कैरी कर रही है. सो बस इज़ करंटली कैरिंग द डेटा. अब उसके बाद ये जो लोड यूनिट है, द लोड इनपुट ऑफ डेटा रजिस्टर, हम इस लोड इनपुट को एक्टिवेट करेंगे, और जो भी यहाँ पर डेटा था वो सभी डेटा डेटा रजिस्टर के अंदर जाके कॉपी हो जाएगा. द एंटायर डेटा विल बी कॉपीड इन द डेटा रजिस्टर. आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है, राइट. तो इंस्ट्रक्शन फाउंड एट द एड्रेस डिस्क्राइब बाय द एड्रेस रजिस्टर इज कॉपीड टू द डेटा रजिस्टर, ओके. नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन इन द मेमोरी डेटा रजिस्टर इज कॉपीड टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. तो ये जो आपके पास मेमोरी डेटा रजिस्टर है, डेटा रजिस्टर, यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन है, अब इसको हमें किसके अंदर कॉपी करना है, वी हैव टू कॉपी दीज इंस्ट्रक्शन इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है. सो अब ये जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन किसके अंदर स्टोर थी, मेमोरी डेटा रजिस्टर के अंदर, किसके अंदर स्टोर थी, डेटा रजिस्टर के अंदर. इंस्ट्रक्शन वॉज स्टोर्ड इन डेटा रजिस्टर. इंस्ट्रक्शन जो है वो डेटा रजिस्टर के अंदर स्टोर थी, एंड द साइज ऑफ डेटा रजिस्टर कैन बी ऑफ 16 बिट, राइट. यानी कि जो मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन का साइज है आपके इस बेसिक कंप्यूटर के अंदर, जो मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन का साइज है वो आपका 16 बिट का साइज हो सकता है. द साइज ऑफ एन इंस्ट्रक्शन कैन बी ऑफ 16 बिट. सो बिकॉज आपका इंस्ट्रक्शन का साइज 16 बिट का हो सकता है, तो इसी वजह से जो आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का भी साइज आपका 16 बिट का ही होगा, ओके, राइट. सो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जो मेमोरी डेटा रजिस्टर के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको हमने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर कॉपी किया. तो ये सभी ऑपरेशंस हम करेंगे फेच साइकिल के अंदर.
अब फेच करने के बाद आपका जो नेक्स्ट फेज़ है वो यहाँ पर डिकोड फेज़ है, डिकोड स्टेज, यानी कि इंस्ट्रक्शन को अब आपने फेच कर लिया मेन मेमोरी से, आपको पता चल गया कि इंस्ट्रक्शन क्या थी, क्या एग्जीक्यूट करनी थी, उसको आप लेकर आ गए, उसके बाद हम डिकोड करेंगे। यानी कि अब डिकोड साइकिल क्या करेगा कि जो भी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर जो भी इस समय पर करंटली इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट है, अब हम उस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की वैल्यू को लेकर जाएंगे कंट्रोल यूनिट के पास, और कंट्रोल यूनिट के पास जाकर हम इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेंगे। ठीक है, तो डिकोड साइकिल में यू कैन से कि कंट्रोल यूनिट्स डिकोड्स द कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। हम बाद में चेक करेंगे कंट्रोल यूनिट को कैसे डिजाइन करना है, हाउ कैन यू डिज़ाइन द कंट्रोल यूनिट, किस तरह के गेट्स यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम आईसी यूज़ कर सकते हैं टू डिज़ाइन द कंट्रोल यूनिट। बट राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि जो डिकोड स्टेज के अंदर हम कंट्रोल यूनिट जो है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के कंटेंट को डिकोड करेगी। ठीक है, अब उसके बाद जो आपका थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में आपका जो एग्जीक्यूशन स्टेज है, एग्जीक्यूशन स्टेज में क्या होगा कि जो आपकी कंट्रोल यूनिट है, दिस कंट्रोल यूनिट सेंड्स द सिग्नल और कैन से सेंड्स द रिलेवेंट कंपोनेंट टू रिलेवेंट कंपोनेंट्स राइट, फॉर एग्जांपल ALU, राइट। कहने का मतलब क्या था कि जो कंट्रोल यूनिट है वो अब डिसाइड करेगी एग्जीक्यूशन स्टेट में कि हमें अब इस इंस्ट्रक्शन के साथ करना क्या है, क्या हमें इसको ALU के अंदर एग्जीक्यूट करना है, तो जो कंट्रोल यूनिट है वो उसके बाद यहाँ पर उसको सेंड करेंगे। ठीक है, अब देखो एज आई सेड ये जो एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर का काम क्या है, द वर्क ऑफ द एक्यूमुलेटर इज टू स्टोर द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ALU, ALU से जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप एक्यूमुलेटर में स्टोर करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है समझने की, आपको कई चीज़ों की वर्किंग समझ आई लेकिन कुछ चीज़ों की वर्किंग अभी भी समझ में नहीं, राइट। जैसे मेमोरी यूनिट आपको समझ आया किसका काम क्या है, एड्रेस रजिस्टर का समझ आ गया, प्रोग्राम काउंटर का समझ आ गया, डेटा रजिस्टर का समझ आ गया, एक्यूमुलेटर का काम समझ आ गया। एक्यूमुलेटर का काम क्या है कि जो भी रिजल्ट ALU प्रोड्यूस करेगा उसे एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर करेंगे। अब ये जो ई है, ई इज रिप्रेजेंटिंग अ फ्लैग, ई जो है वो यहाँ पर एक फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि कई बार क्या होता है कि आप कुछ रिजल्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब कुछ कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास कुछ फ्लैग आप सेट कर सकते हैं, जैसे लेट अस अज्यूम कि कोई कैरी जनरेट हुआ है या नहीं हुआ, तो उसके लिए आप यहाँ पर ई का यूज़ करेंगे। तो अगर ई सेट है यानी कि हमारे पास एक फ्लैग है जो सेट हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो अब ALU के पास डेटा कहाँ कहाँ से आ सकता है, तो ALU जो है वो डेटा रजिस्टर से डेटा ले सकता है, राइट। जैसे अगर आपके पास एक वो है एड आर नॉट एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो एड आर नॉट में आर नॉट जो है वो एक एड्रेस है। ठीक है, अब ये एड्रेस कहाँ पर स्टोर होगा, दिस एड्रेस विल बी स्टोर्ड इन द एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, एड्रेस कहाँ स्टोर होगा, एड्रेस रजिस्टर में। और जो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन, तो जो इंस्ट्रक्शन है वो है आपकी एड आर नॉट। ठीक है, तो इस पूरी इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट हैं, जो फर्स्ट पार्ट है एड, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन ऑपरेशन कोड, ये एक ऑपरेशन कोड को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड दिस आर नॉट इज रिप्रेजेंटिंग एन एड्रेस, ये एक एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन है ये इंस्ट्रक्शन स्टोर होगी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में से सबसे पहले ये जो ऑपरेशन कोड है इसको हम भेजेंगे कंट्रोल यूनिट के पास। अब कंट्रोल यूनिट का काम क्या है कि इस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करो कि बताओ कि हमें क्या ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। सो लेट अस अज्यूम कि आपका ऑपरेशन जो है एडिशन ऑपरेशन है, करेक्ट। अब उसके बाद हम इस रजिस्टर के पास जाएंगे और वहाँ से हम डेटा को लेकर आएंगे, और वो डेटा कहाँ पर स्टोर होगा, डेटा रजिस्टर के पास। ठीक है, कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास इंस्ट्रक्शन है एड 3000, करेक्ट, यानी कि जो आपके पास मेमोरी लोकेशन 3000 पर जो भी डेटा है वो क्या है, वो हमारा एक ऑपरेंड है, वो एक ऑपरेंड है। अब वो ऑपरेंड कहाँ पर स्टोर होगा, वो ऑपरेंड स्टोर होगा डेटा रजिस्टर के पास, राइट। और ये जो एड 3000 इंस्ट्रक्शन कहाँ पर स्टोर होगी, ये होगी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास, और जो इसका रिजल्ट होगा वो कहाँ स्टोर होगा, आपके पास एक्यूमुलेटर के पास। यानी कि जब इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम लोग, उस समय पर जो हमारा ALU है जिसको सभी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, दिस ALU शुड बी कनेक्टेड टू
दिस ALU शुड बी कनेक्टेड टू द डेटा रजिस्टर ताकि ऑपरेंड को ले सके. इट शुड बी कनेक्टेड टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ताकि जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है उसको ले सके. एंड इट शुड ऑल्सो बी कनेक्टेड टू द एक्यूमुलेटर, बिकॉज कई बार क्या होता है कि आपका जो रिजल्ट है हम उस रिजल्ट के ऊपर दोबारा से ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं या फिर उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास ना अलग अलग सीपीयू के आर्किटेक्चर है. जैसे हमारे पास एक एक्यूमुलेटर सीपीयू आर्किटेक्चर है, यानी कि जैसे अगर ये इंस्ट्रक्शन आपके पास है ऐड 3000, तो ऐड 3000 में एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यू नीड टू ऑपरेंड्स. जैसे यू कैन हैव 3 + 4, राइट. तो यहाँ पर ये जो प्लस है ये एक एडिशन ऑपरेशन है. 3 इज योर ऑपरेंड 1 एंड 4 इज योर ऑपरेंड 2, ठीक है. तो इस तरह की जो इंस्ट्रक्शन है दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन. ये आपकी वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, ठीक है. थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है राइट नाउ, आई ट्राई टू एक्सप्लेन लेटर ऑन ऑल्सो, बिकॉज अभी हमें एड्रेसिंग मोड्स को करना है. ओके, मैं इसको प्रॉपर फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ. आई फील कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया नहीं है, लेट मी एक्सप्लेन इट, ठीक है.